पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हो गया प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में डेफिनेशन, एडिशनल डेफिनेशन, सेकंड टेक्स्ट, टेक्स्ट में समरी, और फिर कीवर्ड्स इन प्रीएम्बल, फिर एडिशनल नीड या फिर सिग्निफिकेंस क्या है प्रीएम्बल का, प्रॉब्लम, प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं प्रीएम्बल की डेफिनेशन पे। तो इट इज़ इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर एसेंस होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की समरी होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था। टेक्स्ट क्या है प्रीएम्बल का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू S3DR सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जलेबी फ्राई जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये है, लेकिन इसको और एक्सप्लेन किया गया। जस्टिस कैसी, SEP सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ 5 चीज़ों की लिबर्टी है TEBFW दैट इज़ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप प्लस इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। फिर समरी पे आ जाते हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन पीपल, और नेचर ऑफ स्टेट को डिफाइन किया गया है S3DR से, वही सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या है, जलेबी फ्राई, कि आपको जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी चार ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं। चौथी चीज़ अडॉप्शन डेट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, 26 नवंबर 1949। फिर आ गए कीवर्ड्स जो कि प्रीएम्बल में यूज़ किए हैं, तो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। इनका मीनिंग क्या है, सोवरेन का मतलब इंडिया इज इंडिपेंडेंट स्टेट एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, चाहे वो इंटरनल अफेयर हो एक्सटर्नल अफेयर हो, अब हम किसी के डोमिनियन नहीं है, हम अपने आप डिसीजन लेंगे। सोशलिस्ट मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में, हम ना कैपिटलिज्म में जाते हैं ना सोशलिज्म ना कम्युनिज्म में जाते हैं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, दैट इज़ कैपिटलिज्म प्लस कम्युनिज्म का मिक्स। दिस टर्म वॉज एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976, लेकिन सोशलिज्म ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था इन DPSP। सेकुलर, ऑल रिलीजन्स हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, इस टर्म को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 द्वारा ऐड किया गया था, लेकिन सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी था फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 से 28 में। डेमोक्रेटिक, हम इंडिया क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि दो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं दे एक्सरसाइज सुप्रीम कंट्रोल दैट इज़ रनिंग द गवर्नमेंट। दो टाइप्स के होती है डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री और प्रेजिडेंशियल डेमोक्रेसी। फिर आ गया रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी ऑपोजिट ऑफ मोनार्की। मोनार्की क्या होती है कि किंग क्वीन होंगे और जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी वाली पोस्ट होगी वो हेरिडिटरी होगी, ठीक है, किंग का बच्चा ही किंग बनेगा इस टाइप से, दैट इज़ हेड। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में रिपब्लिक है ऑपोजिट ऑफ मोनार्की, हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट हेरिडिटरी नहीं है, जब उसके बजाय लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं फॉर फिक्स्ड पीरियड दैट इज़ प्रेसिडेंट को। जस्टिस, तीन टाइप के जस्टिस, सोशल जस्टिस दैट इज़ इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट रेस या कास्ट, सेकेंड इकोनॉमिक जस्टिस नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ, तीसरी चीज़ पॉलिटिकल जस्टिस सेम पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल वोटिंग कंटेस्ट इलेक्शंस ये सब के पास है। अगली चीज़ आ गई लिबर्टी। लिबर्टी यानी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन एक्टिविटी ऑफ पीपल बट इट हैज़ टू बी इन्जॉयड विद इन लिमिटेशन मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों के पास फ्रीडम है कि वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। इक्वालिटी, नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सिविक इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 से 18 में इंश्योर की जाती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी 325-326 आर्टिकल में। इकोनॉमिक इक्वालिटी DPSP 39 में, दैट इज़ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फ्रेटर्निटी एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, कैसे इसको प्रमोट किया जाता है, थ्रू सिंगल सिटीजनशिप प्लस फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A, ड्यूटी टू प्रमोट हारमनी एंड ब्रदरहुड, ये वाली चीज़ हो गई। अब अगले पे आ जाते हैं, नीड क्या है, तो सिग्निफिकेंस क्या है प्रीएम्बल का, इट कंटेन्स बेसिक फिलॉसफी या फिर वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फाउंडिंग फादर्स। प्रॉब्लम क्या है, प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रीएम्बल है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, तो आंसर ये है कि इट इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड इन लाइट ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है।
फिर इट इज़ नॉन जस्टिसाइबल, इट्स प्रोविजन्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, मतलब अगर किसी आर्टिकल में आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप प्रीएम्बल को रेफ़र करके उसको समझ सकते हो, लेकिन प्रीएम्बल अपने आप में नॉन जस्टिसाइबल है, इसके प्रोविजन्स इन्फोर्सिबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में. फिर प्रीएम्बल अमेंड कर सकते हैं क्या? तो इट कैन बी अमेंडेड बट कैन नॉट चेंज इट्स बेसिक फीचर्स. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 एडेड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटेग्रिटी टर्म इन इट. ठीक है, तो ये प्रीएम्बल हो गया. प्रीएम्बल के बाद आ जाते हैं पार्ट वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. तो इसमें एक से लेके चार तक आर्टिकल हैं, तो पहले आर्टिकल देख लेते हैं, चार आर्टिकल कौन है, फिर उन चार आर्टिकल का रियल लाइफ में एप्लीकेशन. तो आर्टिकल वन कहता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कंट्री का नाम, तो इंडिया और भारत दो नाम दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. और टाइप ऑफ पॉलिटी, इंडिया को बोला गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीसीड फ्रॉम फेडरेशन. अंडर आर्टिकल टू, आर्टिकल टू में पार्लियामेंट क्या कर सकता है, न्यू स्टेट को एडमिट कर सकता है, किसी स्टेट का एरिया है तो उसे घटा बढ़ा सकता है, स्टेट का नाम चेंज कर सकता है और स्टेट की बाउंड्री भी चेंज कर सकता है. थर्ड आर्टिकल क्या है, कहता है रिलेट्स टू फॉर्मेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, टेरिटरी में छेड़छाड़, जैसे कि जम्मू कश्मीर में शायद हुआ. अंडर आर्टिकल फोर, लॉज मेड अंडर आर्टिकल टू एंड थ्री कैन बी पास्ड बाई सिंपल मेजोरिटी, दीज आर नॉट अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368. मतलब ये है पहला, तो जो आर्टिकल पहला तो ये है कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ढेर सारे स्टेट्स से बना हुआ है, फिर इन स्टेट्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है पार्लियामेंट, नए बना सकता है, उनका एरिया घटा बटा सकता है, नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, तीसरे आर्टिकल में फॉर्म कर सकता है या एडजस्ट कर सकता है टेरिटरीज को. और ये जो दोनों काम है, दैट इज़ नए स्टेट को लाना, एरिया घटाना बढ़ाना, टेरिटरी चेंज करना, ये सिंपल मेजॉरिटी से किए जा सकते हैं, इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट के लिए बहुत आसान है ये काम करना. फिर रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, एवोल्यूशन हिस्ट्री. ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे न्यू स्टेट्स और यूटीज़ जो कि 1956 के बाद क्रिएट हुए, चेंज ऑफ नेम्स और अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. तो सबसे पहले एवोल्यूशन हिस्ट्री, सबसे पहले इंटीग्रेशन हुआ प्रिंसली स्टेट का. बिफोर 1947 इंडिया में दो पॉलिटिकल यूनिट्स थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस जो कि डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, फिर प्रिंसली स्टेट्स जो कि अंडर द रूल ऑफ नेटिव प्रिंसेस, बट ब्रिटिश वॉज पैरामाउंट. इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, दो डोमिनियंस क्रिएट किए गए, इंडिया और पाकिस्तान. इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स को छूट दी गई कि चाहे इंडिया को ज्वाइन करो, चाहे पाकिस्तान को, चाहे इंडिपेंडेंट रहो. लेकिन फिर क्या किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 552 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कर दिया गया, इसीलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी है. उन्होंने हैदराबाद को पुलिस एक्शन से इंटीग्रेट किया, जूनागढ़ को रेफरेंडम से क्रिएट किया, सॉरी हैदराबाद दैट इज़ एपी में, उसको पुलिस एक्शन से इंटीग्रेट कर दिया, जूनागढ़ जो शायद गुजरात में है शायद, उसको रेफरेंडम से इंटीग्रेट कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करवा के इंडिया में इंटीग्रेट करा दिया. धार कमीशन आई, धार कमीशन ने बोला कि जो स्टेट्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस. लेकिन लोगों ने रेजिस्ट किया, मतलब डिमांड उठने लगी कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे. फिर JVP कमेटी बैठी, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताबी सीतारमैया थे, उन्होंने रिजेक्ट किया ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस. लेकिन फिर पोथी श्रीरामलू डाइड आफ्टर 50 डेज स्ट्राइक. फिर आती है फजल अली कमीशन, इन्होंने एक्सेप्ट किया लैंग्वेज एज बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, बट रिजेक्टेड थियरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट. गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और इनैक्ट कर दिया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 और दूसरा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956. इसके बाद 14 स्टेट और 6 यूटीज क्रिएट हो गए 1956 में. फिर उसके बाद 1956 के बाद भी नए स्टेट्स और यूटीज क्रिएट किए जाते रहे. बॉम्बे दैट इज़ महाराष्ट्र और गुजरात, बॉम्बे को तोड़ के महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया. फिर दादरा एंड नगर हवेली, उसको यूटी बना दिया गया, ये पोर्चुगीज रूल के अंडर थी. दमन एंड दीव, गोवा, ये भी पोर्चुगीज रूल के अंदर था. पुडुचेरी फ्रेंच रूल के अंडर था. फिर नागालैंड आया, बाद में पंजाब को तोड़ के चंडीगढ़ हरियाणा बना दिया गया. फिर सिक्किम, फिर 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ बनाया गया जो कि MP से काट के निकाला गया, उत्तराखंड को UP से काट के निकाला गया और झारखंड को बिहार से काट के निकाला गया. 2014 में तेलंगाना को AP से निकाला गया. फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को दो UTs में तोड़ दिया गया. फिर दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को कम्बाइन कर दिया गया. तो ये है,
तो ये क्या हो गया, न्यू स्टेट्स क्रिएट कर सकता है। तो ये देखिए आर्टिकल 2 का एप्लीकेशन हो गया ना एक तरह से। और ये भी जो है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, ये भी क्या है, आर्टिकल 2, 3 इन्हीं सब का यूज़ करके बनाया गया है। फिर चेंजेस ऑफ नेम, यूनाइटेड प्रोविंसेस से यूपी नाम रख दिया गया, मद्रास से तमिलनाडु, मैसूर से कर्नाटका। तो ये जो नाम चेंज करना है ये भी पावर मिल जाती है आर्टिकल 2 के अंडर, सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं ये। अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1960 का, ठीक है, जिसमें क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव बेरुबारी, दैट इज़ वेस्ट बंगाल का जो हिस्सा है, उसको बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश क्या था उस टाइम पे, पाकिस्तान के अंडर था। बट सुप्रीम कोर्ट सेड यू कैन नॉट सीड इंडियन टेरिटरी, तो पार्लियामेंट ने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1960 में टू ट्रांसफ़र द इंडियन टेरिटरी टू उस टाइम पे जो बांग्लादेश था, डेट इज़ पाकिस्तान। फिर 2015 में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये किया गया, 100 से ज़्यादा इनक्लेव्स इंडिया से बांग्लादेश को दिए जाने थे और 50 से ज़्यादा इनक्लेव्स बांग्लादेश से इंडिया में लिए जाने थे। उस चीज़ को करने के लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। प्लस इसमें डिमार्केट किया गया 6 किलोमीटर ऑफ अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, इनक्लेव्स मतलब यही है कि आपकी कंट्री का कोई हिस्सा है जो कि तीनों ओर से दूसरी कंट्री के द्वारा है सराउंडेड, या फिर चारों ओर से दूसरी कंट्री से सराउंडेड है, तो बेटर है कि उस हिस्से को दूसरी ही कंट्री को दे दिया जाए, कुछ इस टाइप से। तो ये पार्ट वन हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट टू पे। तो पार्ट टू है क्या, सिटीजनशिप। इसमें आर्टिकल हैं 5 से 11 तक, तो पहले आर्टिकल पढ़ लेते हैं फिर उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेंगे। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। आर्टिकल 5 कहता है पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया एंड फुलफिल 1 out of 3 कंडीशन, ठीक है, कि उस पर्सन को क्या होना चाहिए, वो इंडिया में उसका जन्म होना चाहिए, उसका कोई भी पेरेंट इंडिया का बॉर्न होना चाहिए, और उसको रिसाइड करना चाहिए इंडिया में 5 साल से ज़्यादा के लिए। ये 5 है। 6th आर्टिकल क्या है, फॉर पर्सन हु माइग्रेटेड, अब ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है, फॉर पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान से जो इंडिया में आ गए, इफ ही और हिज एनी पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट वर बॉर्न इन इंडिया, प्लस उसको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, 2 conditions में से 2 conditions और ऐड की गई हैं, ठीक है। तो वो लोग जो कि पाकिस्तान से, पहली चीज़ क्या है, फिर से एक बार कर लेते हैं इसको, या चलो अभी आगे ही बढ़ो। जो लोग इंडिया में पाकिस्तान से आए, अगर उनके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न थे, ठीक है, तो उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही साथ एक कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी 2 conditions में से, वो कुछ 19 जुलाई 1948 की कट ऑफ डेट है। फिर वो लोग जो कि इंडिया में माइग्रेट, पर पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान में लोग गए लेकिन फिर वापस इंडिया में आ गए फॉर रीसेटलमेंट, वो इंडिया के सिटीज़न बन सकते हैं अगर वो 6 महीने से ज़्यादा स्टे करें। तो ये सब पास्ट की बातें हो गई, ये तो हो चुका है ना, इसमें कुछ है नहीं आर्टिकल 7 तक। अब आर्टिकल 8 से शुरू होगा कि PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इफ़ ही इज़ रजिस्टर्ड विथ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन फॉरन कंट्री, तो शायद उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अंडर आर्टिकल 9, आप इंडियन की सिटीजनशिप लूज़ कर दोगे इफ़ यू वॉलेंट्री एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ फॉरन स्टेट। अंडर आर्टिकल 10, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है आर सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट कैन मेक एनी प्रोविजन परटेनिंग टू सिटीजनशिप, वही है सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। तो ये 11 लॉ हो गए, जिसमें शुरू के 5, 6, 7 लॉज क्या थे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वही है ना, कंट्री की सिटीजनशिप डिफाइन करनी होगी। तो जो लोग इंडिया में ऑलरेडी डोमिसाइल्ड हैं उनकी सिटीजनशिप इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो लोग जो कि पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट करके आए उनकी सिटीजनशिप, वो लोग जो कि इंडिया से पाकिस्तान में गए लेकिन पाक से फिर इंडिया में आ गए उनकी सिटीजनशिप। तो 5, 6, 7 के अंदर ये आर्टिकल्स हो गए। 8वें आर्टिकल में हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जो कि अभी के लिए है, और फिर उसके बाद आप अपनी सिटीजनशिप कैसे खो सकते हो, और सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे लॉस पार्लियामेंट बनाएगा। फिर 11वां लॉ क्या है, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ। 10वां क्या था, सिटीजन ऑफ इंडिया आर सब्जेक्टेड टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। और फिर 11वां क्या हो गया, पार्लियामेंट कैन मेक एनी प्रोविजन परटेनिंग टू सिटीजनशिप। अब ये जो आर्टिकल है इनका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, तो डेफिनेशन की सिटीजन एलियन होते क्या है, फिर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले सिटीजन क्या होते हैं, सिटीजन होते हैं फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है, और एंड ओ एलिजियंस टू इंडियन स्टेट।
तो क्योंकि ये फुल सिटीजन होते हैं तो इनको सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, वोट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। एलियंस, एलियंस दो तरह के होते हैं, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। जो फ्रेंडली एलियंस हैं वो उन कंट्रीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन है, ठीक है। एनिमी एलियंस क्या होते हैं, वो उन कंट्रीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं विच आर एट वॉर विद इंडिया। तो ऑब्वियसली जो फ्रेंडली एलियंस हैं उनको ज़्यादा राइट्स मिलेंगे इन कंपेरिजन टू एनिमी एलियंस। फिर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। अब पार्लियामेंट इस एक्ट को बना सकता है, क्यों? क्योंकि अंडर आर्टिकल 10, नहीं अंडर आर्टिकल 11, पार्लियामेंट कैन मेक एनी प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बना देगा, विच प्रोवाइड्स कि सिटीजनशिप अक्वायर कैसे की जा सकती है और किस सिटीजनशिप लूज़ कैसे हो सकती है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस लॉ को कई बार अमेंड भी किया जा चुका है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को। तो उसमें मैंशनड है कि सबसे पहले सिटीजनशिप को अक्वायर कैसे करेंगे, सिटीजनशिप लूज़ कैसे होती है, सिटीजनशिप के टाइप्स क्या होते हैं। बस तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप तो तीन तीन छः छः मेथड हैं। बाई ब्रैंडी, एक तो बाय बर्थ कि आप इंडिया में ही जन्म हो गए, एक बाय डिसेंट कि आपके पेरेंट्स इंडियन थे, तीसरा असम नॉर्थ ईस्ट में असम अकॉर्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि बांग्लादेश से आ गए, चौथा नेचुरलाइजेशन से आप अप्लाई करिए और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सिटीजनशिप दे देगी, दूसरा रजिस्ट्रेशन से आप अप्लाई करिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रजिस्टर कर सकती है एज सिटीज़न, और छठी चीज़ बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेरिटरी, एग्जांपल पुडुचेरी आपने ले लिया, ठीक है। तो सिटीजनशिप समझ गए, आप पैदा हुए या फिर आपके पापा मम्मी पापा इंडियन थे, फिर नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन, वही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करो। इन दोनों ही केसेस में क्या डिफरेंस है वो देखना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है कि आसाम में बांग्लादेश से लोग आ रहे थे तो वहाँ पे आसाम अकॉर्ड किया गया, और जैसे हम किसी टेरिटरी को अक्वायर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल पुडुचेरी वगैरह, तो वहाँ के सिटीज़न ऑलरेडी इंडियन बन जाएंगे। तो ये तरीके हैं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगी, बाई तीन मेथड RTT, एक तो रिनन्सिएशन, दूसरा टर्मिनेशन और तीसरा बाई डिप्रिवेशन। रिनन्सिएशन मतलब सिटीज़न ने अपने आप छोड़ दी, टर्मिनेशन यानी कि इंडियन गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप ले लेगी। कब लेगी, जब आपने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई ऑस्ट्रेलिया जाए और ऑस्ट्रेलिया का सिटीज़न बन जाए। फिर बाय डेप्रिवेशन कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप ख़त्म कर दे इफ़ यू एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय फ्रॉड या कुछ गलत किया आपने उसके बेसिस पे। फिर सिटीजनशिप के और ले लेगी सिटीजनशिप तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट, यही होगा कि आपके सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे इंडिया में जो राइट्स सिटीजन्स के पास हैं। सिंगल सिटीजनशिप, फिर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और फिर कंपैरिजन। सिंगल सिटीजनशिप क्या है, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे हर एक पर्सन एक तो यूएसए का सिटीज़न है और अपने स्टेट का सिटीज़न है जहाँ से वो बिलोंग करता है। 50 स्टेट्स है ना वहाँ पे यूएस में, बट स्टेट कैन फेवर इट सिटीज़न। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है कि सारे के सारे सिटीजन्स को सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया, इररिस्पेक्टिव कि वो किस स्टेट में जन्म हुआ है उसका। फिर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिंघवी कमेटी को सेटअप किया गया था 2000 में टू रिकमेंड मेजर फॉर गुड रिलेशन विद इंडियन डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। तो अब इसमें कंपैरिजन कर सकते हो NRI, PIO और OCI कार्ड होल्डर्स को। NRI एन इंडियन सिटीजन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट, तो उसको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं विच इज़ अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन NRI के लिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, अ पर्सन हुज एनसेस्टर वॉज इंडियन बट हु इज़ प्रेजेंटली होल्डिंग फॉरन सिटीजनशिप, दैट इज़ फॉरन पासपोर्ट है उसके पास, ही नीड्स वीज़ा टू विजिट इंडिया एंड कैन ओनली डू एक्टिविटी एज पर वीज़ा। जिस वीज़ा में जो एक्टिविटी लिखी है, जिस एक्टिविटी के लिए वीज़ा दिया गया है उसी को कर सकता है। OCI कार्ड होल्डर्स, अ पर्सन रजिस्टर्ड एज OCI कार्ड होल्डर अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, उसका एडवांटेज ये है कि उसे इंडिया में आने के लिए लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाएगा। सेकेंड, पैरिटी मिल जाएगी विथ NRIS, जैसे NRI के पास सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं वही उनके पास भी हो जाएंगे एक्सेप्ट एक्वायरिंग एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो उस हिसाब से ये समझ में आ रहा है सबसे ज़्यादा NRI होने पे बेनिफिट है कि सारे राइट्स मिल जाएंगे, उससे कम OCI कार्ड होल्डर होने पे आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, अदरवाइज़ सारे राइट्स आपके पास NRI जैसे हैं OCI कार्ड होल्ड करने पे, और सबसे कम है PIO के पास, उसको तो हमेशा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको तो जिसके पास फॉरेन पासपोर्ट है उसको तो इंडिया में हर बार वीज़ा लगा के ही आना पड़ेगा, और जिस एक्टिविटी के लिए वीज़ा मिला है उसी एक्टिविटी के लिए आना पड़ेगा।